में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक नया फ़ोन परचेज़ किया है, रेडमी नोट 12 प्रो, इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन। ये शाओमी की तरफ से है और इधर भी रेडमी नोट 12 प्रो सीरीज नोट प्रो का हमने फ़ोन लिया है। आप देखिए इस फ़ोन के अंदर क्या क्या है। रेडमी नोट 12 प्रो ग्लेशियर ब्लू, 6 GB, 128 GB प्रोडक्ट ने मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट किए भी। अब हमको बॉक्स के अंदर क्या मिले, एक मोबाइल फ़ोन, वन अडाप्टर, टाइप सी केबल, सिम इंजेक्शन टूल, स्मार्ट गार्ड, वारंटी कार्ड, प्रोटेक्टिव केस। इसकी MRP यहाँ लिख करके आई है 2799, मैनुफैक्चर्ड बाई जो भी है। हालांकि मैंने इसको ऑनलाइन लिया है तो ऑनलाइन मुझे फ्लिपकार्ट पे आपको 25,000 का पड़ जाएगा। तो चलिए इसके करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखिए अनबॉक्सिंग, ये टक करके गिरेगा, टक करके गिर गया। तो भैया दोस्तों ये फ़ोन है, अभी अच्छा सा फिनिशिंग सा लुक है, मेटल है, पीछे भी एकदम है, ट्रिपल कैमरा है। इसका देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। ये उसका इसके अंदर और क्या है और चीज़ें। तो ये इसका केस, ये यूज़र कार्ड एज यूजुअल, तो पढ़ता तो है नहीं, पता नहीं ये ऐसा कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है। इसमें सबसे बहुत बेस्ट बात यह है कि 67 वॉट का चार्जर, भाई ऑरेंज कलर का चार्जर है ये, 67 वॉट का चार्जर। और कंपनी का दावा है कि ये जो है 80% चार्ज 15 मिनट में कर देती है। देखते हैं भाई क्या इसका है। हालांकि मैंने इस फ़ोन को 2-3 दिन पहले परचेज़ कर लिया था, अनबॉक्सिंग में आज आप लोग के लिए कर रहा हूँ फिर से एक बार। ये उसका वायर केबल, और वैसे और कुछ है नहीं इसके अंदर में, इसका वायर केबल और तो कुछ है नहीं। चलिए भैया फ़ोन को स्टार्ट करते हैं, तो भी साइड करते हैं यार, हटाओ ये सब चीज़ों को, जरूरत नहीं हो। भाई चलो हो गया, जैसे कि देख सकते हैं सिम कार्ड मैंने इसमें पहले से ही अवेलेबल करके रखे हुए हैं। इसके अंदर आपको मिल जाता है ये कुछ इस तरह का लुक है, रेडमी नोट 12 प्रो का। तो दोस्तों इस फ़ोन की कैमरे की बात की जाए तो सामने 16 MP का कैमरा आपको मिल जाता है, जो कि सेल्फी के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है। और बैक साइड की कैमरे की बात करें तो 50 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP के कैमरा आपको मिल जाता है। और जो 50 MP का कैमरा है वो OIS टेक्नोलॉजी के साथ आता है, सोनी के सेंसर के साथ। डिस्प्ले की बात किया जाए तो इसमें आपको 6.7 इंच का IPS AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि वाकई काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है अभी एंड्रॉयड 12 वर्जन पे अभी मेरे को मिला है, हालांकि अभी एंड्रॉयड 13 आने ही वाला है, लेकिन मुझे एंड्रॉयड 12 का इसको मिला है। इसमें MediaTek 1060 का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है और नॉर्मल वर्क के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि वीडियो स्टूडियो, जैसे कि इमेजेस लिए हो, इमेजेस की क्वालिटी आपको मैं वीडियो में आपको दिख जाएगी। और इसके बैक साइड का भी लुक काफ़ी अच्छा है, आजकल का सारे फ़ोन में देख रहे हो इस तरह के बड़े बड़े कैमरे आ रहे हैं, पहले फ़ोन में इस तरह के कैमरे नहीं आते थे। अभी अलग से ये मेटल का पूरा लगा करके ऐसा कैमरा दे रहे हैं, पूरा एकदम मेटल वाली फीलिंग आ रही है। तो इसमें 4K वीडियो भी शूट किया जा सकता है, बट 4K वीडियो मैंने शूट करके देखा है फ़ोन में, उतना सही नहीं आ रहा था। बाद में मैंने फिर वीडियो सेटिंग में गए, फिर 1080 पिक्सल्स को मैंने 60 FPS के सेटिंग पे लेकर के किया, तो वीडियो क्वालिटी इसकी अच्छी आ रही थी। आपको भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास ये फ़ोन है, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो 1080 पिक्सल्स पे 60 FPS के साथ रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो क्वालिटी की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आएगी। वैसे इसके क्या और जैसे कि नाइट मोड है, प्रो का टटर है, पैरानोमा व्यू है, प्रो मोड है, स्पोर्ट्स मोड है,
कैमरा में और बहुत सारे फीचर्स हैं, धीरे धीरे जानेंगे इसके बारे में भाई कि और फीचर्स कैसे काम करते हैं, किस हिसाब से सब कुछ इन सब चीज़ों को काम में लाया जाए। फ़ोन है काफ़ी अच्छा, मुझे वो अच्छा लगा। आप अपनी राय रख सकते हैं भाई कि इस बजट में कौन से और बेटर फ़ोन हो सकते हैं जो कि इससे भी अच्छे हों, क्योंकि है ही तो ये 5G फ़ोन, और इसमें इस फ़ोन को लेने के बाद आपको कोई 5G की ज़रूरत पड़ती नहीं। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि इसमें ऑलरेडी पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, रुकिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देखिए इसमें ना, देखिए आपको 5G का नेटवर्क ऑलरेडी दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा कोई 5G सिम अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने जो आपको जो फ़ोन दिखाया, वो फ़ोन की बारे में जो बताया, कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ ड्रॉबैक्स, हालांकि ऑन एंड ऑल फ़ोन है तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन भाई बजट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई लोग चाहता है, अभी ये भी फ़ोन का दाम भी है भाई 25,000 दाम है इसका, लेकिन 25,000 दाम के हिसाब से कैमरा क्वालिटी थोड़ी और अच्छी देनी चाहिए थी। तो जैसे रोडमी 11i हाइपर चार्ज में इन्होंने दे रखा है, सेम 67W का चार्जर भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 67W का चार्जर। अभी प्लस पॉइंट है कि अगर आप 4G से 5G में स्विच करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है 5G में स्विच करने के लिए। हालांकि इससे कम प्राइस में भी और भी फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन Xiaomi अभी हर मोबाइल कंपनी को टक्कर दे रही है ड्यू टू स्पेसिफिकेशन के मामले में, चाहे फीचर्स के मामले में, कैमरे क्वालिटी के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, बहुत सारी चीज़ों के मुकाबले में भी Xiaomi हर कंपनी को टक्कर दे रही है, और ये भी मेड इन इंडिया भी बन रही है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसके बारे में, इस फ़ोन के बारे में आप लोग को और क्या जानकारी चाहिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करता हूँ। तब तक के लिए भाई चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।